कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल नागिन 3 के बीते एपिसोड में दिखाया गया किस तरह हवेली से निकलकर खंडर वाले एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं बेला, माहिर और विश, जहां दोनों का रिश्ता एक अलग ही रूप में दिखाया जाता है। हवेली में होने वाले मुंह दिखाई के रस्म के दौरान जब बीन बजाते हुए सफेरे आते हैं नागिनों का पर्दाफाश करने के लिए, जो प्लानिंग अनु ने इंस्पेक्टर के साथ मिलकर की थी उस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए, तो वहाँ पर बेला और विश होती हैं इतनी परेशान कि दोनों अपने असली रूप में आ जाए इससे पहले दोनों चलती है बड़ी चाल। विश अपने मुंह से तेज हवा निकालकर तेज आंधी तूफान लेकर आती है, जिसकी वजह से बेला अपने असली रूप में तो आती है लेकिन वहाँ उसे असली रूप में कोई भी नहीं देख पाता। जी हाँ, बेला को असली रूप में नहीं देख पाता वहाँ कोई भी। सभी लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर माहिर बोलता है अपने परिवार वालों से, अपनी माँ सुमित्रा से, कि अपनी बेला को वो लेकर ही लौटेगा। बेला को लेने पहुंचता है वापस से तेज आंधी के बीच आँख बंद कर माहिर बेला के पास उस कमरे में जहाँ बेला होती है मौजी, लेकिन वहाँ तो बेला होती ही नहीं। फिर बेला का हाथ पकड़ लेता है माहिर ये कहकर कि बेला चलो यहाँ से, लेकिन माहिर नहीं देख पाता कि जिससे उसने पकड़ा है वो बेला आधी नागिन और आधी इंसान है। जी हाँ, और हाथ किसी तरह से छुड़ाती है बेला उस माहिर से, जिसके बाद बेला का सच सामने आ जाए माहिर के सामने। इस सच को छुपाने के लिए और इसे डर से विश वहाँ बेला का रूप लेकर माहिर की गोद में गिर जाती है। कहती है वो कि माहिर प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो। फिर क्या, विश और माहिर चल देते हैं वहाँ से और बेला का खेल होता है शुरू। बेला शुक्रिया अदा करती है विश को ये कहकर कि तुमने मुझे आज बचा लिया। अब माहिर को शिकार बनाने के लिए विश और बेला मिलकर चलती हैं अगली चाल, लेकिन इससे पहले जामिनी और बेला के बीच होती है मुलाकात। जामिनी बेला को एक जाल में फंसाकर उस मंदिर लाने के बारे में सोचती है जहाँ पर वो उसका बलि देकर नरक की रानी बनने के अपने सपने को पूरा कर सके। ऐसे में हम आपको बता दें, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जामिनी अपने चाल में बेला को पूरी तरह से फंसा लेगी। बेला होगी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में और फिर विश आएगी जामिनी से बेला को बचाने के लिए। वहीं से पहले देखेंगे आपके माहिर जो कि काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद है बेला के लिए। ये देखकर विश समझ जाएगी कि आखिर क्यों माहिर को मारने में इतना वक्त लगा रही है बेला। मतलब साफ है कि बेला और माहिर के बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ते जा रही हैं उसे अब रूबरू हो चुकी है विश। आगे की प्लानिंग ये है कि दोनों ही एक दूसरे के करीब आएंगे, लेकिन विश को होगा माहिर से प्यार ये देखकर कि एक नागिन पर ये इंसान इस कदर प्यार लुटा रहा है। उसके नेक दिल की वजह से विश हो जाएगी उस पर फिदा और यहीं से शुरू होगी एक और नई कहानी। विश बनना चाहेगी माहिर की पत्नी। उस वक्त तो एक मकसद था विश का, माहिर की पत्नी बनकर पूरे सहगल परिवार को ख़त्म करने का, विक्रांत की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन इस बार ये विश माहिर से सच में प्यार कर बैठेगी। अब इस प्यार को अंजाम देने के लिए विश किस तरह से बेला से दुश्मनी निभाएगी, जामिनी का सच किस तरह सामने आएगा, बेला और माहिर के बीच वो नज़दीकियाँ कब शुरू होगी, ये सब देखना होगा आने वाले एपिसोड में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।